बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा दोस्तों, हम लोग आज है ना काइट फ्लाइंग करने ना गार्डन पर आए हुए हैं। ये चिड़ियाघर है कराची का, तो हम लोग इधर आए हुए हैं और हम लोग है ना उस्मान भाई के जो गिफ्ट है ना, जो मैंने आपसे वादा किया था कि भाई छोटी पतंग उड़ा के दिखाऊंगा, तो दोस्तों ये मैं पतंगें ले आया हूँ छोटी। तो दोस्तों चले आइए, हम लोग है ना एक पतंग उड़ा के देखते हैं उस्मान भाई की, और उसके बाद अगर हम लोग पतंग उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, ये छोटी ये उड़ाने की नहीं होती, ये तो सिर्फ डिस्प्ले की होती है, अगर हम लोग इसको उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग है ना आपको है ना इंशाल्लाह ताला है ना चिड़ियाघर दिखाएंगे और तमाम जिसके चिड़ियाघरों के घर के परिंदों और जानवरों को सबको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चले आइए, पहले हम लोग है ना इसके कन्ने बांधते हैं और फिर उसके बाद इसको उड़ाते हैं और फिर है ना हम लोग है ना चिड़ियाघर का विजिट करवाएंगे आपको, ठीक है ना दोस्तों? तो चले आइए। अच्छा दोस्तों, तो भाई हम लोग है ना इसको सदी से तो नहीं उड़ाएंगे, सदी से कभी नहीं उड़ेगी ये वाली पतंग, हम लोग है ना इसको उड़ाएंगे सिलाई के धागे से। तो चले आइए, हम लोग शुरू करते हैं, पहले इसके कन्ने बांधते हैं फिर इसके बाद इसको उड़ाते हैं। चलिए, ये सिलाई का धागा है दोस्तों, बस इसी के कन्ने बांधेंगे। ये पतंग छोटी होती है ना, वो धागे का सदी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वो कभी नहीं उड़ेगी, तो हम लोग है ना इससे उड़ाएंगे आज। तो चले आइए कन्ने बांधते हैं जल्द से जल्द दोस्तों, कन्ने बांध के और फिर उसके बाद है ना हम लोग है ना पूरी जब कन्ने वन्ने बन जाते उसके बाद दोबारा वीडियो ऑन करते हैं, ठीक है दोस्तों? चले बन कर भाई, हम लोग है ना बस हम लोगों ने अब कन्ने बांध लिए और इसको उड़ा के देखते हैं कि कैसी उड़ती है। तो चले आइए दोस्तों, कन्ने पतंग उड़ाते हैं अपनी, ये छोटी वाली काट उड़ाते हैं जिसका साइज 6 इंच है तकरीबन। तो दोस्तों पहले थोड़ा सा यार ज़रा गार्डन का नज़ारा करवा दो, फिर उसके बाद हम लोग है ना पूरी पतंग उड़ाते हैं। ये दोस्तों हमारा गार्डन है कराची का गार्डन चिड़ियाघर, जो बहुत मशहूर है। लिए और सब कुछ तैयारी मुकम्मल है, तो चले आइए अब इसको उड़ाते हैं। हम अपने दो बच्चे मिकाइल को देंगे, वो हमें कहने देगा, फिर हम लोग उसको उड़ाते हैं। चलो ले जाओ जाया दोस्तों, देख रहे हैं सिलाई के धागे से उड़ा रहा हूँ, ये बड़े धागे से तो उड़ेगी नहीं। दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ और दूर जाओ, फटे नहीं पतंग, आराम आराम से जाओ। हाँ इधर हो जाए, इधर की हवा हो गई है। हाँ दोस्तों ये देखो कितनी अच्छी उड़ रही है दोस्तों पतंग, हवा का पता ही नहीं, हवा कभी कहीं जा रही है कभी कहीं जा रही है। अरे है है, देखा दोस्तों ये हमारे उस्मान भाई की पतंग है, कितनी अच्छी उड़ रही है। हम लोगों ने ये डिस्प्ले की भी पतंग उड़ा के दिखा दी, देखा दोस्तों ये देखा कितनी अच्छी उड़ रही है और आगे जा रही है। ओए हाय हाय, वाह भाई वाह। हाँ ना ये देखो दोस्तों, दोस्तों ये तो मजा आ गया यार, बिल्कुल चीले हमला नहीं करते यार इस पतंग पे। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी हो रही है पतंग यार। हाँ नहीं तेरे को दे दूंगा। तो दोस्तों बस अब हम लोगों ने पतंग बहुत उड़ा ली, ठीक है दोस्तों अब मुझे दिखा। तो दोस्तों अब हम लोगों ने पतंग बहुत उड़ा ली, अब हम लोग पतंग उतारते हैं और आपको है ना हम लोग है ना फिर अभी गार्डन का नज़ारा करवाते हैं, परिंदे दिखाते हैं, यहाँ के जानवर दिखाते हैं। तो दोस्तों देखो हमारा बच्चा भी उड़ा रहा है, दिखाओ। ओए होए होए, अरे सबक है थोड़ा संभाल लो। वाह भाई क्या पतंग है सुमान भाई, ये ले। थोड़ी खींच ले यार इसके निकाल की भी, खींच ले मिकाइल को दिखा। दोस्तों हमारा बच्चा देखो मोहम्मद मिकाइल, मिकाइल हाथ तो हिला दे, हाथ हिला, वो ऐसा कर दे। तो दोस्तों हम लोग भाई गार्डन पे आए हुए हैं, सब कराची के गार्डन पे, और ये देखे हमारी पतंग कितनी अच्छी उड़ रही है और बस अच्छी उड़ रही है और बड़ा मजा आ रहा है हम लोगों को यार गार्डन में। मौसम भी ठंडा है, इतना ज्यादा गर्म भी नहीं है, 12-1 बजे का टाइम है तकरीबन।
बहुत मजा आ रहा है यार। ये पतंग भी बहुत अच्छी उड़ रही है, कितनी ऊंची उड़ गई है देखे। तो दे दे, अब उतारते हैं, अब तुझे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो भाई अब हम लोग है ना पतंग उतारते, चले जल्दी धागा बांध। आया कोई बात नहीं, नहीं भाई पतंग उड़ा रहे हो, पतंग है ना छोटी पतंग है, देख गार्डन में हाँ एंजॉय कर रहे हो। हाँ भाई बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। को भी ले साथ में। हाँ ना ठीक है दोस्तों, तो चलो भाई हम लोग उतारते हैं अब जल्द 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 से जल्द, और फिर आप गार्डन घूमते हैं। तो दोस्तों भाई हम लोगों ने ना अपनी पतंग, ये देखे छोटी वाली पतंग उतार ली और आपके सामने हाथ पे रख के दिखाएंगे। ये देखे आ गई हमारी पतंग, ये देखे दोस्तों कितनी छोटी पतंग है, ये देखो यार सिर्फ एक बालिश से थोड़ी सी बड़ी है। ये देखे कितनी छोटी पतंग आज हम लोगों ने उड़ाई है उस्मान भाई की। ये सिर्फ डिस्प्ले की नहीं होती, सिर्फ ये डिस्प्ले की होती है, उड़ाने की नहीं होती। बस अब ये पतंग हम लोग अपने दो बच्चे मिकाइल को दे देते। ये लो मिकाइल पे, ये आपकी पतंग हुई, ठीक है। तो दोस्तों चले आइए अब हम लोग है ना गार्डन घूमते हैं और चिड़ियाघर का नज़ारा करते हैं और सारे परिंदे और जानवर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चले आइए। अच्छा दोस्तों, तो भाई हम लोग है ना इस वक्त है ना मगरमच्छ के घर पे खड़े हैं और मगरमच्छ के ये बोर्ड लगा हुआ है, देखिए मगरमच्छ आपको दिखाते हैं। ये देखिए मगरमच्छ सोए हुए हैं और ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। अभी ये लोग सोए हुए हैं मगरमच्छ, दोपहर को 11 से 12 बजे तक इनका खाने का टाइम होता है। ये देख रहे हैं, ये दोस्तों देखे ये मगरमच्छ बहुत आराम कर रहे हैं। ये मगरमच्छ है, एक मगरमच्छ उस साइड पे सोया हुआ है, ये देखे। और ये आबशार भी बनाया है लोगों, गार्डन में नया आबशार बनाया, देखें। तो आइए दोस्तों अब है ना दूसरे जानवर के पास चलते हैं या परिंदे के पास चलते हैं, उसी वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है ना खूबसूरत किस्म के ये बतख भी होते हैं, देखें इसको बतख कहते हैं शायद। और आपको चले दोस्तों अब मैं ना अपने कैमरामैन से मिलाता हूँ, ये कैमरामैन भी साथ है, मोबाइल मेरे पास है। वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई, क्या हाल है, खैरियत है और मज़े आ रहे हैं कराची में? आज मज़े आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। हाँ नहीं तो पिशावर और सवाद से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर तो बहुत बहुत ठंड है। कौन सा डिग्री चल रहा है आजकल वहाँ पर? 7 अच्छा 8 तक जाता है। अरे यार बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी है। तो चले आए दोस्तों अब हम लोग है ना दूसरे जानवर दिखाते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों तो चले आए अब हम लोग आ चुके हैं ना कराची के मोर के पास, चिड़ियाघर कराची के चिड़ियाघर के मोर के पास आ चुके हैं। अच्छा दोस्तों तो हम लोग है ना मोर के पास आ चुके हैं, नीला मोर है। तो चले आइए आपको इसको दिखाते हैं आपको नीला दोस्तों। ये देखिए मोर खड़ा है लेकिन इसकी जाली इतनी बारीक है कि मोर सही तरीके से नज़र ही नहीं आ रहा है, और उसने ना अपने पर खोले हुए, शायद आपको नज़र आ जाए। ये देखें ये पर खुले हुए हैं इसके, कितना अच्छा लग रहा है, पर फैलाए हुए हैं, नाच समझ लो इसको कहते हैं यार, मोर नाच कर रहा है वाकई यार, ये मोर नाच करके भी दिखा रहा है। देखें ये देखें देखें कितनी बारीक जाली, इसमें क्या नज़र आएगा यार। चलो खैर देख लिया हम लोगों ने, ठीक है दोस्तों चले आइए आगे निकलते हैं। अच्छा दोस्तों तो हम लोग है ना सुनहरी टेबी टाइगर के पास आ चुके हैं और इसको आपको दिखाते चले गए। ये देखे टाइगर बैठा हुआ है दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये देखे भाई ये कराची का टाइगर है, ये बैठा हुआ है देखो, ये देख रहे हैं
देखा दोस्तों टाइगर। तो चलिए आइए आपको है ना हम दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों तो हम लोग है ना बनमानस के पास आ चुके हैं और बनमानस देखे दूध पी रहे हैं। ये देखें इसको दूध दिया जा रहा है बनमानस को, लेकिन यार बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा। देखिए फिर भी आ तो रहा है, बेहतर है। ये देखिए देख रहे दोस्तों, ये इस चिड़ियाघर का बदमाश है। चले दोस्तों तो फिर आगे निकलते हैं। अच्छा दोस्तों तो हम लोग है ना अब एक और बनमानस के पास आ चुके हैं। ये देखें इसका बोर्ड है, क्या क्या खाता है क्या नहीं खाता है, क्या होमवर्क है, सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। तो चले आइए इसको दिखाते हैं, अब बनमानस को दिखाते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, ये तो लगता है सो रहा है। भाई बनमानस तेरी तबीयत सही है या ख़राब है ये बता दोस्तों। ये तो आराम कर रहा है, हम लोग उसको तंग नहीं करते और उसको सोने देते हैं। चले आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग है ना सफ़ेद शेर के पास आ चुके हैं, लेकिन शेर इस वक्त ना इस पिंजरे में नज़र नहीं आ रहा, लगता है ये अंदर सोया हुआ है। तो दोस्तों भाई दोस्तों तो यार ये शेर तो उधर सोया हुआ है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये सोया, ये देखिए दोस्तों शेर इस वक्त सोया हुआ। ये देखिए देख रहे हैं ना दोस्तों, तो ये सफ़ेद शेर है ये चिड़ियाघर का। चलिए आइए आगे चलते दूसरे जानवर देखते हैं। दोस्तों हम लोग है ना कछुए के पास आ चुके हैं। ये कछुआ है और कछुआ देखें सारे चल रहे हैं, खाना वाना भी खा रहे हैं। आपको झूम करके दिखाता हूँ, ये देखें खाना खा रहे हैं, लूसन खा रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों बहुत सारे कछुए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखें बहुत सारे कछुए सारे इसको चल रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों ये। चले आइए फिर आगे आगे देखते हैं जानवर कुछ। अच्छा दोस्तों तो भाई ये गार्डन का एक और हिस्सा है जहाँ पर सारे बतख होते हैं और बतख वगैरह होते हैं, और ये बतख ऐसे होते हैं कि लोगों से खाना मांगते हैं, बहुत सारे लोग उनको खाना भी खिलाते हैं। देख रहे हैं आप और भी बहुत सारे लोग हैं, ये देखें ये बड़े बतख, ये बड़े वाले बतख हैं, ये देखें ये देखें। तो आइए दोस्तों चले आगे चलते हैं और हम लोग ना दूसरे जानवर देखते हैं। दोस्तों ये एक और मंजर है इस जगह का, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बेहतरीन मंजर इस गार्डन का जहाँ पर बहुत सारे बतख तैर रहे हैं और फुहारा चल रहा है। देख रहे हैं दोस्तों बेहतरीन मंजर, बेहतरीन। चले आइए आगे चलते देखते और नज़ारा करते हैं। अच्छा दोस्तों तो भाई ये देखें ये एक और जानवर है, एक परिंदा और है, लेकिन यार इसको तो मैं भी नहीं जानता, इनका बोर्ड भी नहीं लगा हुआ। अल्लाह ताला ने यार क्या बनाया है इसका ताज देखें आप यार। ताज देखो यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई डायनासोर की मखलूक लग रही है दोस्तों। ये देखें चले आइए अभी आपको ने एक और जिसको कांटों वाला चूहा बोलते हैं वो देखते हैं, कांटों वाला जानवर बोलते शायद। ये रहा देखिए दोस्तों ये कांटों वाला जानवर है, इसको आपको करीब से सही तरीके से दिखाता हूँ। कांटों वाला जानवर ये देखिए, ये देखिए दोस्तों कांटों वाला जानवर है, देखेंगे और कांटों वाला चूहा भी कहते हैं इसको। देख रहे हैं दोस्तों, चले आइए दूसरा जानवर देखते थे। अच्छा दोस्तों तो चले आइए देखें, मैं आपको लोमड़ी से मिलाता हूँ। ये लोमड़ी है, ये देखें देख रहे दोस्तों ये लोमड़ी है, फिर जा रही है अंदर। लोमड़ी बोलते बहुत चालाक होती है, ये देखें
देखा दोस्तों ये लोमड़ी है, चले गए अंदर। देखा दोस्तों अब हम लोग है ना दूसरा जानवर देखते चले आए। दोस्तों हम लोग अगर चिड़िया घर पे आए और बंदर को नहीं देखे ये तो हो ही नहीं सकता। ये सामने देखे बंदर बैठा हुआ है चिड़ियाघर का, और इसको करीब से दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ पर जाते थे बंदर ही होते थे, बंदर बहुत कम हो गए। ये देखे बंदर, चले आइए जानवर दोस्तों दूसरे जानवर से मिलाते हैं। दोस्तों एक और बंदर देखे, एक और बंदर देखे दोस्तों, लाल मुंह वाला बंदर है देखे। लाल मुंह वाला बंदर, इसकी पूछ कैसी है यार, अजीब सी है ये देखे। चले दोस्तों और दूसरा जानवर देखते हैं। दोस्तों एक और बनमानस यहाँ पर मौजूद है देखें, ये दूसरा बनमानस है। ये देखो क्या कर रहा है, देखो देख रहे हैं दोस्तों एक और बनमानस है यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए आइए अब दूसरे जानवर को देखते हैं। अच्छा दोस्तों तो भाई हम लोग मछली घर में आ चुके हैं इस गार्डन के। ये देखें गोल्ड फिश है, और ये कौन सी मछली है, वाइट क्लिपेड। दोस्तों ये वाइट क्लिपेड है, ओए दोस्तों इसकी तो आंखें देखने वाली है। ये दोस्तों एक और मछली है, ये इसका बोर्ड है, ये मछली है। ये इसकी मछली है, खूबसूरत है। एक ये मछली है देखो, ये इसका बोर्ड है, कलर टेट्रा नाम है इसका, कलर टेट्रा, कलर टेट्रा देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत अच्छी है। ये सब दोस्तों ये गार्डन में है, कराची गार्डन में। आपको चलिए और आगे दिखाते हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी मछलियाँ है देखिए, इसका भोग लगा हुआ है। ये छोटी छोटी मछली, ये कितनी खूबसूरत मछली है, बहुत अच्छी लग रही है। तुझे तो वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे चैनल ही खोल के देख। ये दोस्तों एक और मछली है, दोस्तों एक और मछली है, शार्क स्पाइसी इसका नाम है, शार्क स्पाइसी। ये मछली है शार्क स्पाइस। दोस्तों ये गोल्ड फिश है, इसका कलर है देखिए, गोल्ड फिश इसका बोर्ड है, इसका नाम है क्रैप। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब एक ये देखिए प्लेटी, ये प्लेटी मछली है, ये भी मछली है, कितनी अच्छी है। ये दोस्तों गोल्ड फिश है, क्या लिखा हुआ, गोल्ड फिश प्लेटो। देखा ना दोस्तों गोल्ड फिश प्लेटो, कितनी अच्छी लग रही है, खूबसूरत है। अच्छा दोस्तों तो भाई ये एक और मछली आ गई, इसका नाम नहीं लिखा, ये मछली है, ये मछली है, खूबसूरत मछली बनाई है अल्लाह ताला का रंग देखने वाले हैं। ये देखिए ये भी गोल्ड फिश है, इसका नाम है, गोल्ड फिश नस्लों में से है। एक ये देखिए
एंजिल है, एंजिल एंजिल मछली होती है, लेकिन फुल साइज है, बड़ा साइज है, मेरे छोटे छोटे साइज आते हैं। ये कितनी अच्छी लगती है दोस्तों। एक ये मछली है, इसका नाम बताओ, ये मछली है। दोस्तों एक और है, ये देखें कलर चेक है, जो हम लोग मछली देखे हैं उसका बड़ा साइज है। एक ये मछली दोस्तों क्रैब, ये उसी की बड़ा साइज है। ये देखिए कितना अच्छा कलर है, ब्लैक कलर को देख रहे हो आप। ये दोस्तों देखो बेहतरीन मछली है, बहुत खूबसूरत है, कलरफुल मछली है। ये आखिरी आखिरी शोकेस रह गया दोस्तों, ये इसका नाम ये लिखा हुआ आखिरी शोकेस। ठीक है दोस्तों, तो चले आइए अब हम लोग है ना आगे चलते हैं दोस्तों। तो भाई अब हम लोगों ने ना हम लोग अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने बहुत पूरा आपको है ना गार्डन घुमाया, और आइए देखें मुमताज़ बिल्ली, ये बहुत मशहूर है गार्डन की, उसके पास खड़े हैं हम लोग। और अब हम लोग अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यार दोस्तों बस मेरी वीडियो देखते रहने, ऐसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।